हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बिग बॉस ओटीटी में नजर आई उर्फी जावेद, अक्सर देखिए सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। उर्फी जावेद कई बार अपने अटपटे लुक्स की वजह से फैंस के निशाने पर भी आ जाती हैं। चंद महीनों में उर्फी जावेद इतनी फेमस हो चुकी हैं कि टीवी शोज के मेकर्स उनको अपने शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और देखिए ना, कुछ समय पहले खबर आई थी कि उर्फी जावेद मीका सिंह के रियलिटी शो स्वयंवर मीका दी होती में नजर आने वाली हैं। माना ये जा रहा था कि उर्फी जावेद मीका सिंह की दुल्हनिया की रेस में शामिल होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे थे कि उर्फी जावेद मीका सिंह के स्वयंवर में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करने वाली है। और इसी बीच उर्फी जावेद ने स्वयंवर मीका दी होती को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उर्फी जावेद ने खुलासा किया है कि वो स्वयंवर मीका दी होती में वाइल्ड कार्ड के तौर पर नहीं नजर आएंगी। एक लीडिंग वेबसाइट से बात करते हुए उर्फी जावेद ने ये कहा, मैं काफी समय से ये अफवाह सुन रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि मैं मीका सिंह के स्वयंवर में वाइल्ड कार्ड के तौर पर जाने वाली हूँ। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं ये शो नहीं करने वाली। मैं आगे भी किसी तरह का ऐसा शो नहीं करूंगी जिसका कनेक्शन शादी से हो। तो उर्फी जावेद ने आगे ये भी कहा, मेरे हिसाब से शादी एक पर्सनल अफेयर है। अगर मैंने किसी से शादी की तो ये मेरे लिए एक पर्सनल अफेयर होगा। मैं अपनी शादी का तमाशा टीवी पर नहीं कर सकती। तो उर्फी जावेद के इस बयान ने फैंस का दिल तोड़ दिया है। मीका की शादी से उर्फी जावेद का नाम जुड़ते ही फैंस काफी खुश हो गए थे। उर्फी के फैंस उन्हें टीवी पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड भी थे। हालांकि उर्फी ने मीका के शो को लात मार दी है। अब बता दें कि आपको उर्फी जावेद आखिरी बार बिग बॉस ओटीटी में नजर आई थी। बिग बॉस ओटीटी के बाद उर्फी जावेद रातों रात स्टार बन गई। उर्फी जावेद के स्टाइल ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अब तो हाल ये हो चुका है कि उर्फी जावेद का हर एक लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। आपको बताते चले कि उर्फी ने अब अपना नाम भी बदल दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करके बताई थी। तो उर्फी ने अपना नाम उर्फी कर दिया है, हालांकि अपने नाम में ओ को ऐड कर लिया है। हालांकि बोलने में अभी भी उनका नाम उर्फी ही है। खैर, फिलहाल तो आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मीका का शो रिजेक्ट कर उन्होंने ठीक किया या गलत। पेट में बहुत सारी बटरफ्लाइज होती होंगी, बट यू आर केप्ट योर काम और बहुत प्यार से आपने ऑडियंस को भी एड्रेस किया और अपना प्यार भी इजहार किया सबके सामने। मीका जी के लिए थैंक यू सो मच। एंड यस, ऑफ कोर्स हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये देखने के लिए कि आप में से कौन आखिर में जीतता है मीका जी का दिल। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू। एक बार जाने से पहले मैं अपनी बड़ी दीदी द सुपर टैलेंटेड, जिनको देख के हमने बड़ा कुछ सीखा है, थैंक यू सो मच जसमिंदर जी, आप आए हैं। हमेशा मैं आपसे सीखता रहता हूँ और आपको दिल से मैं प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। थैंक यू। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा बहुत अच्छा गाती है और बहुत प्यार करती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर भूमि। बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू भूमि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शाम तो हमारे साथ ही हैं, मेरे भाई हैं, ये तो उनको जाने दूंगा मैं। सर बस जानसर तो इधर ही है। थैंक यू सो मच। तो जी जी जी, तो मीका जी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के। तो हमें हमारे क्वेश्चंस मिले हैं हमारे ही मीडिया के दोस्तों से। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने ये जो डिसीजन है प्यार ढूंढने का नेशनल टेलीविजन पे, ये डिसीजन कैसे लिया? वेल, ये स्टार भारत की टीम का डिसीजन था एंड वो हमारे पास आए थे। तो ये अब से नहीं शुरू हुआ, आई थिंक 2015 में भी मुझे आई रिमेंबर दैट ब्यूटीफुल लेडी हमारी फजीला वहाँ बैठे हैं। तो 2015 में भी वो आए थे ऐसा प्रपोजल लेके। आई थिंक दैट टाइम आई वाज नॉट रेडी, मुझे लगता नहीं था कुछ मुझे ऐसा मेरे विचार हैं, बिकॉज हमेशा मेरा म्यूज़िक के तरफ ही ज़्यादा मेरा ध्यान रहा कि मुझे एज ए सिंगर कुछ और कुछ करना है। तो शायद मैं उस वक्त रेडी नहीं था, लेकिन अब दोबारा से जब मुझे ये चांस मिला तो मैंने दिलीप पाजी को पूछा कि पाजी ऐसा ऐसा मुझे यू नो ऑफर आया। तो हमेशा वो डांटते रहते हैं, बिकॉज 100-150 मैंने रिश्ते मना करे हैं। ये नहीं कि लड़कियों में कमी थी, ये था कि मुझे कुछ बनना है। गर्ल्स वर प्रीटी ब्यूटीफुल, मेरे में प्रॉब्लम थी कि यार मुझे कुछ करना है। तो पाजी बोलते ऐसा कर यार, तू शादी कर ले, शादी नहीं करना सगाई कर ले। वो सगाई नहीं करनी, एटलीस्ट कोई गर्लफ्रेंड तो बना, कुछ तो मुझे कुछ तो मुँह मिठा कर। तो मैं क्या पाजी मैं जाऊँगा, तो हाँ जा और इस बार कुछ करके आना। वो तो सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे जी।